अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ग्रोइंग पैक के बारे में और उसके साथ उसकी क्या रिलीज डेट होने वाली है, कौन सी गन आने वाली है। सारे लाइक मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इसके अंदर एक रॉयल पास का गिव अवे भी है। जो मेरी एक्टिव यूजर्स है ना, मतलब कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक्टिव रहती है, वो इस अनाउंसमेंट को लाजमी सुन लेना। कल वाली वीडियो में थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन आज वाली वीडियो में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले ग्रोइंग पैक के बारे में बात करेंगे, फिर आप लोगों के लिए भी बात करेंगे, तो इस वीडियो को फुल देख लेना। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो लास्ट में कर देना सब्सक्राइब एंड बेल को कर देना ऑल पर, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। भाई 5K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। अब चलते हैं भाई, जैसे कि आपको होता है कि हमारे पास कुछ दिन पहले एक ग्रोइंग पैक आया था जिसको लेने का कोई मकसद ही नहीं बनता था। उसमें क्या चीजें थी, मैं आप लोगों को एक सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, जिसमें आप लोग देख सकते हो आपको यहां पे मिनी मटेरियल मिनी क्रिस्टल देखने को मिल रहे थे और इसमें आपको यूसी नहीं मिल रहे थे, साथ वाउचर्स देखने को मिल रहे थे। आपकी टोटली यूसी लगाने के बाद वेस्ट थी। हमारे पास पहले जो ग्रोइंग पैक होते थे ना, उसमें क्या होता था कि 300-400 यूसी लगाओ तो उतने ही आपको बैकअप भी मिलते थे। कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि भाई 300 यूसी लगाओ तो 400 यूसी आपको बैकअप देखने को मिल जाते थे। अब सीन यही है कि जैसे क्रिस्टल्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते, 35-350 क्रिस्टल्स, तो बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी। अब सबसे पहले क्रिस्टल शॉप देख लेते हैं, क्योंकि भाई नेक्स्ट में हमारे पास आने वाले हैं क्रिस्टल्स। यहाँ पे आप लोग आउटफिट देख सकते हो, हेड गियर देख सकते हो, और उसके बाद डाशे की स्किन, पैन की स्किन, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेनेड की स्किन, बैकपैक की स्किन, ठीक है, और भी लाइक डाशे की स्किन, ये वाली तो बहुत ही पुरानी है, मैंने खुद परचेज की थी, तकरीबन 40 क्रिस्टल्स की है मेरे ख्याल से, या 45 क्रिस्टल्स की है, तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब ये चीज़ें, तो हमारे पास जो नेक्स्ट में आने वाले क्रिस्टल, वो आने वाले 35 क्रिस्टल्स। अब आप लोग कहोगे उसकी रिलीज डेट क्या होने वाली है और उसका लाइक कौन कौन सी गन्स होने वाली है, तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले लाइक मैं आपको अपग्रेडेबल गन नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कौन सी गन्स आने वाली हैं। सबसे पहले ये सोचना कि भाई AR नहीं आएगी, M416 हो सकता है कि PUBG मोबाइल इतने दिनों बाद डाल दे, तो वो उसकी किस्मत है, मतलब कि हमारी किस्मत है। और अगर देखा जाए तो PUBG मोबाइल ना AR नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो SMG UZ या UMP और या तो और SMG में जो गन्स हैं, या तो M24 में दे देता है, M24 कार 98 स्नाइपर गन में भी दे देता है। अब जो गन आने वाली है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो हमारी गन इज दफा टेक्चर्स लाइक शो हुए हैं, वो हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा PP बाइजन के और एक UMP के, इन दोनों के चांसेस हैं, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा सा ब्लर था ना, बट आ रही है SMG में से गन, ठीक है, SMG में से गन आएगी और 400 UC आपको रिटर्न देखने को मिलेगी, 400 आप UC लगाओगे। ये PUBG मोबाइल की तरफ से सरप्राइज होगा, सरप्राइज ग्रोइंग पैक इसका नाम होगा, सरप्राइज, या तो फिर सुपीरियर जैसे परचेज गिफ्ट आया ना, इसी तरीके का आने वाला है नेक्स्ट ग्रोइंग पैक हमारे पास, और सरप्राइज आने वाला है मेरे ख्याल से 35 क्रिस्टल्स ही होंगे। 350 तो यार वो ग्लिच था। अब कल भी मुझसे ये लोग पूछे भाई 350 क्रिस्टल दोबारा कब आएंगे, तो भाई फायदा नहीं है उसका, वैसे भी क्रिस्टल शॉप वैसे भी खाली पड़ी है, अगर वो भर जाएगी देन ही आपको ग्रोइंग पैक मिलेगा, ठीक है। ग्रोइंग पैक में फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन 35 क्रिस्टल्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं ग्रोइंग पैक की रिलीज डेट। अब मैं बता देता हूँ आप लोग को, रिलीज डेट होने वाली है 7 अगस्त या 8 अगस्त, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, वरना ये सरप्राइज ग्रोइंग पैक है जो हमें देखने को मिल जाएगा, बीटा वर्जन की तरफ से हमें बताया गया है। तो ये सरप्राइज तकरीबन 7 अगस्त को तो लाजमी आएगा, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, या 9 अगस्त को तो फाइनल आ जाएगा हमारे पास इन गेम में, और 9 अगस्त को 9वीं के भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो भाई तुम्हारे भाई का भी रिजल्ट है और उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। अब चलते हैं भाई, यहाँ पे अमेजिंग रिबेट वगैरह दिखा दिए मैंने आप लोगों को, अब बताता हूँ मैं आप लोगों के भाई अनाउंसमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 14 दिन से इनएक्टिव रहा हूँ और बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई आपने वो जो हफ्ते वाला करना था वो क्यों नहीं किया, तो मैं पहले बता दूँ मैं 14 दिन के लिए नारान गया हुआ था, नारान, कलाम, हुंजा वगैरह इस साइड नॉर्थन एरिया से चला गया था। भाई बहुत सर्दी है वहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है मुल्तान जिधर मैं रहता हूँ, तो इधर ये फ़िलहाल है कि मैं उधर 14 दिन के लिए गया, तो मैंने बोला यार थोड़ा सुकून वगैरह भी होना चाहिए, रोज़ कंटेंट वगैरह बना के भी सर में दर्द हो जाता है, तो ये चीज़ मैंने कर ली, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आप लोगों को अनाउंस कर दूँ, लेकिन मैंने बोला आके बता दूंगा 14 दिन के लिए इसलिए मैं चला गया था। अब बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई गिव अवे वगैरह करो, ठीक है, वो जो आपके 7 दिन बाद थे, तो मैंने सोचा उसके साथ 1 रोल पास का गिव अवे भी कर लेना चाहिए। बाकी 5K सब्सक्राइबर्स तो वैसे भी लाइक 5 रोल पास गिव अवे होने, 5-10 रोल पास गिव अवे होने वाले हैं, लेकिन वो 5K पे होने वाले हैं, लेकिन अभी जो हमारी एक्टिव यूजर्स है उनको एक बेनिफिट भी मिलना चाहिए कि भाई आप लोग गए थे, तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ एक्टिव रहो जितना रह सकते हो। इस वाली वीडियोस में 5 डेज के अंदर अंदर मेरी खुद अनाउंसमेंट मैं खुद कर दूंगा, उसमें आपको जो मेरा वीकली था वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद जो एक रोल पास का गिव अवे था वो भी मैं क्लियर कर दूंगा।
तो भाई रेडी रहना सब, ठीक है। और मैं देखूंगा भाई कौन कौन एक्टिव रहता है, उसी को लाइक रोल पास वगैरह देखते हैं। बाकी रोल पास मैं रेंडमली निकालूंगा, और जो यूसी है जो मैं देख रहा हूँ एक्टिव वगैरह, वो भी मैं लाइक गूगल से निकालूंगा जो फर्स्ट वगैरह आ रहे होंगे। तो ये थी अनाउंसमेंट, तो रेडी रहो। एक रोल पास का गिव अवे भी इसमें मैं कर रहा हूँ, जो कि लाइक मिसिंग ऐप हुई है हमारे से, तो वो भी क्लियर हो जाएगी। बाकी ये थी वीडियो, वीडियो कैसी लगी जितना हो सके शेयर वगैरह करो, 5K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ऐसी प्यार दिखाते रहो। अल्लाह हाफिज।